तो हे गाइस, अब मैं माइक कनेक्ट कर चुका हूँ और आप देख सकते हो वॉइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। तो गाइस, अब मैं अब इसको चेक करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस पे जाऊंगा और आपको बताना कैसी वॉइस आ रही है और कितनी दूर तक ये क्रैच कर रहा है। चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज हमने एक फ्लिपकार्ट से माइक मंगाया है। इस जो पुराना माइक था उसमें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। इस माइक की ये फैसिलिटी है जिसमें कि वायरलेस माइक है और हमें कोई वायर नहीं लगाना पड़ेगा। अभी सूरज इसको ओपन कर रहे हैं, उसको दिखाते हैं आप। इसको अभी और ओपन करो। अरे सर, हो गया ओपन। निकाल के दिखाओ क्या क्या निकला इसके अंदर। माइक तो निकाल के गई है, ऑन ऑफ करके देखिए चालू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें चार टूल्स निकले हैं। एक ये है जो कि वाईफाई का काम करता है, जिसको हम मोबाइल में लगाएंगे। इसका टाइप सी होता है कनेक्टिंग पिन, और एक माइक है जो जिससे कि वायरलेस एकदम कनेक्शन हो सकता है। और ये पहले की अपेक्षा जो हमारा पुराना माइक था उसमें वायर की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, अब नहीं आया करेगी, आप देख सकते हो। गाइस, अभी हम इसको यूज़ करके देखते हैं किस प्रकार ये कार्य करता है और आपको वॉइस में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखेगा या नहीं। तो हे गाइस, अब मैं माइक कनेक्ट कर चुका हूँ और आप देख सकते हो वॉइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। तो गाइस, अब मैं अब इसको चेक करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस पर जाऊँगा और आपको बताना कैसी वॉइस आ रही है और कितनी दूर तक ये क्रैच कर रहा है। अब मैं थोड़ा डिस्टेंस तय कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक इसकी वॉइस आ सकती है। तो अभी इसको पार करके आपको बताऊंगा। वैसे मैं थोड़ा और डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक इसकी वॉइस कनेक्ट रहती है। और लगभग अब 100 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस मैं तय कर चुका हूँ और देखते हैं कहाँ तक आवाज़ इसकी कनेक्ट रह सकती है। देखने में तो काफ़ी अच्छा माइक लग रहा है और यूजफुल भी लग रहा है मुझे। और आप देख सकते हो यहाँ तक काफ़ी अच्छी से वॉइस आ रही है, लगभग यहाँ से 200 मीटर के भी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और बाकी आप इस माइक को यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो गाइस, फाइनली मैं आप काफ़ी डिस्टेंस तय करके आ चुका हूँ और आपने भी देखा होगा कि मैं काफ़ी दूर तक गया था और काफ़ी अच्छा कनेक्शन देखने को मिल रहा है इस माइक के द्वारा। और बाकी आपको बता दूँ, इस माइक की क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है और मेरे हिसाब से तो अभी मेरा फर्स्ट डे है इस माइक के साथ। मुझे काफ़ी अच्छा माइक लगा है। और आप भी ऐसा माइक चाहते हो तो आपको बता दूँ, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाया था। और बाकी आप देख सकते हो इस माइक काफ़ी फायदे नॉर्मल माइक होते हैं, तो उनसे वीडियो बनाने में थोड़ा तकलीफ होती है, जैसे कहीं वायर फंस जाता है या टूट जाता है, तो उनसे बचने के लिए आप इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई सिनेमेटिक शॉट्स लेने होते हैं तो आप बार बार कभी वायर को देखो, कभी ये वो, उससे काफ़ी बेस्ट है इसलिए। और आपको मैं भी रिकमेंडेड करूँगा कि आप भी ऐसा ही माइक से यूज करें, जिससे कि आपको ब्लॉग करने में या फिर नॉर्मल वीडियो बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी आप काफ़ी कंफर्टेबल ये माइक है, कोई ज़्यादा वेट नहीं है इसका। और यदि आप इस माइक को ख़रीदना चाहते हो तो आपको बता दूँ, इस माइक का कॉस्ट मुझे 1300 रुपये पड़ा था, लगभग मतलब 1299। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।